So, hey guys, what is up everybody? Welcome back to the Splendor Rider Ricky channel. तो यार दो दिन हो गए, मतलब वीडियो पोस्ट नहीं की है. एक्चुअल में चीज़ें ये हो गई थी कि भाई पहले दिन तो जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है, उसके अगले दिन, मतलब जो लास्ट मेरा वीडियो था अभी दो दिन या फिर तीन दिन पहले का, ठीक है, तो उसी दिन रात को मैं गया था. थोड़ा सा समझ सकते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी भाई बता दो यार, तुम्हारी भाभी के पास गया था और तुम्हारी प्यारी प्यारी भाभी ने मेरा माउंटर तोड़ दिया. हेलमेट गिरा, क्या ही करें, माउंटर टूटा. और यार मतलब उसके अगले दिन, मतलब मुझे पता चला, मैं उस दिन जब हेलमेट गिरा था तो मेरे को पता नहीं था कि भाई माउंटर टूट गया है. माउंटर का ऐसा एक होता है हाथी का सूंड जैसा, जॉ क्लैंप या फिर जॉ क्लिप कुछ कहते हैं उसको, वो वाला टूट गया नीचे से. तो मुझे पता नहीं था कि वो टूटा हुआ है. मैंने कहा ठीक है भाई, हेलमेट जब गिरा तो मैं वहीं से अपने घर तक जब रिटर्न आ रहा था तो भाई मैंने चेक कर लिया, सब ठीक ठाक था. और सुबह जब आके एडजस्टमेंट किया उसको निकलने के टाइम, तो भाई हाथ में आ गया पूरा का पूरा हिस्सा, जॉ क्लैंप मेरे हाथ में था टूट के. उसे जुगाड़ बुगाड़ करके उसे फिक्स किया और उसके बाद उसी दिन और मतलब वीडियो बनाने की कोशिश भी की, लेकिन दिक्कत ये हुई कि भाई ऑडियो का इशू आ गया. फिर कल ऑडियो का इशू सॉल्व किया और फिर मतलब उसी दिन ऑडियो का इशू सॉल्व किया परसों, और कल जब वीडियो बनाने की कोशिश की फिर से ऑडियो का इशू आ गया. अब से भाई यार मेरा रूटीन हो गया है, पहले घर से निकलो, मिनिमम 500 मीटर गाड़ी चलाओ, पहले चेक करो ऑडियो का इशू कैसा आ रहा है, उसके बाद ही जाकर वीडियो पोस्ट करो. क्योंकि यार वो अगर ऐसा ना करें तो पता ही नहीं चलता है यार, पूरा का पूरा वीडियो खराब ही जाता है. सच में पूरा का पूरा वीडियो खराब हो जाता है यार. और आज तो भाग ही रहे हैं भाई, जल्दी से जल्दी ऑफिस तक पहुंचना है. आज तो काफ़ी ज़्यादा काम भी है और काफ़ी दूर भी जाना है. वो तो अगर होएगा तो अपन उसका वीडियो फिल्मिंग टोटल कर लेंगे उसका, ठीक है, अगर हुआ तो. मतलब लाइक भाई मूड के ऊपर डिपेंड करता है, और बार बार कोई कॉल ना करे इसके ऊपर भी. इसी टाइम पे कोई बार बार कॉल नहीं करता है, जब मैं होता हूँ ना अपने लाइन पे होता हूँ, जब विजिट करता हूँ तो उस टाइम पे बार बार हर कोई कॉल करता रहता है, इसलिए उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाता ज़्यादातर. कोई नहीं, अब से सोच रहा हूँ संडे टू संडे कहीं बाहर चल के वो वाली वीडियो भी पोस्ट करूँ. वो वाली मतलब संडे टू संडे राइड करके, ठीक है, गलत मत समझ लेना कोई, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा शाना मत बनो, मदर फादर बैड मैनर्स, रोनी भैया जिंदाबाद. और यार ये एक जगह है जहाँ पर गाड़ी धोते हैं, मज़ा आता है, इधर उधर अच्छा धोता है यार सच में. लेकिन वो वाला भी जो बंदा था पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, वो जिसने मेरा गाड़ी धोया था भाई, वो भी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था एक्चुअल में. क्योंकि जहाँ पर मैंने गाड़ी की इंजन ऑयल चेंज किया, जो लाइक हमारा जो चेन सॉकेट है उसको, जो सॉरी चेन सॉकेट नहीं, चेन जो वगैरह लूज़ हो गया था, थोड़ा सा ढीला हो गया था, उसे टाइट वगैरह किया है, और जो टाइट करने के लिए बैठा है मैकेनिक, उस हरामी ने चेन तो टाइट कर दिया लेकिन नॉट बोल्ट टाइट करना भूल गया साला. टायर ही हिल रहा था पूरा का पूरा, वो स्क्रू नॉट बोल्ट सब कुछ घूम रहे थे टायर के साथ. उस बंदे को पता चल गया जो लाइक धोने के लिए बैठा हुआ था उधर, जहाँ पे मैंने गाड़ी धोया था, देन उसने टाइट वगैरह कर दिए. उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, आप कहाँ पे लेके गए थे, मैं इधर लेके गया था, उसने टाइट नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ दिया. अच्छा बंदा था. और भाई मेरे को उस टाइम पर काफ़ी गुस्सा आया इस बंदे पे, क्योंकि यार तुम्हारा काम है ये, तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो इसको, ये भूलना अच्छी बात नहीं है. और इधर से ओवरटेक करना आता नहीं है क्या सच्चा, ऐसे घुसाने का और ऐसे निकालने का, समझे,
भाभी ने तो माउंटर तोड़ दिया, माउंटर की वजह से यार मोबाइल थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है मेरे को, वीडियो का एंगल भी थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ओए 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 लल्ला, ओए ललन, क्या हुआ? अबे भोसड़ी के, मतलब ये क्या है बे? इस साइड से कोई कौन आता है भाई रोंग पे? उधर है ना रास्ता, तुमको जाना है तो उधर से जाओ, घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कार लेकर रोंग पे घुस रहा है, मातर चोद। क्या ही बोले यार, मतलब रॉन्ग साइड पे आ तो रहे हो पर यार देख के तो आओ कितना रॉन्ग है या फिर कितना राइट है। होपफुली अगर उधर एक होता, वो क्या मामा जी, एक तो मामा जी अगर उधर होते वाओ, अभी ठोक देते इनको। और इनका भी भाई अलग ही चिल मच रही है, देख रहा है सामने से बोलेरो आ रहा है, हमको आगे निकलना है तुम्हारे। अगर एक मामा जी उधर खड़ा होता बीच में तो वो डायरेक्टली बोलता कि बेटा चुपचाप उधर ही रुको, हम आ रहे हैं, आपके फादर आए हैं, नहीं मामा जी। और अच्छा पूरा का पूरा चालान की माँ की यहाँ करके निकल जाता। यार ये स्प्लेंडर पे कब तक वीडियो बनाएंगे? तो अच्छी गाड़ी मंगता है। कोई नहीं, अपन जैसे भी हैं सकते हैं मजे में, क्योंकि अमित जान छोटी, कोई भी वाहन छोटा या बड़ा नहीं होता, और वाहन चलाने वाले से इसके बाद मुझे नहीं आता। अमित जान कहती थी भाई, मैं सुनता था बस, हाँ उतना ही है, मैं सिर्फ सुनता था, इधर इस कान में डाला उस कान से निकाल दिया, अंदर प्रोसेसिंग भी नहीं किया, अंदर रोका भी नहीं, नहीं हम नहीं रोकते, इधर से सुनते उधर से निकालते, बस इतना ही करते। अरे लल्ला चलो चलो, लल्ला क्या कर रहे हो? अरे ऐसा वेदर देना चाहिए यार हर रोज, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना सच में यार, इतना ज़्यादा गर्मी अभी आ रहा है, गांठे फट रही है गांठे। दो दिन से हुआ क्या है, मैं बाइक लेके निकालता हूँ सुबह, और मतलब वो गैरेज के अंदर से निकाल के बाहर कहीं भी खड़ी कर देता हूँ, मतलब बाइक लेके जाता हूँ कहीं, कुछ ना कुछ काम होता है तो सुबह सुबह उठ के, और बाहर कहीं भी खड़ी कर देता हूँ घर के बाहर। तो धूप से क्या होता है, वो जो मेरा बाइक का सीट है ना वो एकदम गरम गरम तवा के जैसा पूरा भाई पूरा गरम होकर रेडी रहता है, कि कब इस पर मैं अपनी तशरीफ़ रखूं और वो आराम से उसे छिल के प्याज बना दे, मतलब पूरा भुट्टे के जैसे क्या ही बोलूं यार जब उस पर रखता हूँ ना तशरीफ़ भाई लग जाती है, सच में लगती है कि भाई गया खत्म, टाटा बाबाए गया। आज यार मज़ा आ गया बिकॉज ऑफ कि आज वेदर थोड़ा सा रेनी रेनी टाइप का है। चचा हमको ज़रा छोड़ोगे क्या लल्लन? हाँ नहीं छोड़ोगे तो हम घुस के भी निकल जाएंगे। अब तो रेनी रेनी टाइप का है आज वेदर थोड़ा, दैट्स व्हाई थोड़ा भाई अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये एटमोसफियर अच्छा है, वो गर्मी वाला एटमोसफियर अच्छा नहीं। ओए 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 मौसा जी रुको, टोयोटा उइमा। अबे इस पे ये क्या लकड़ी वकड़ी क्या लेके जा रहे हो भाई, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे? गाड़ी देखो यार, गाड़ी कौन सी है और लेता क्या है इसके? यार ये क्या है बात है, गाड़ी है टोयोटा और इसके पिछवाड़े में डाला क्या है, लकड़ियाँ वो भी कांटेदार। आगे एक तो गाड़ी, हाँ वो देखो टाटा ऐसी जा रही है, वो सही है ये सब लेने के लिए, भाई टोयोटा सही नहीं है, कुछ तो इज्जत कर, गाड़ी बोल रहा होगा पैंट चोट मेरी, कुछ तो इज्जत कर ले। हुँ,
हौले बक्की उदी करते करते किधर आ गए, किधर किधर बताओ। वो भाई मेरे को सच में यार मज़ा आ गया, वो बजरंग बली का एक पुतला देखे अल्लाह जी स्वैग में बैठे हुए, बनाने वाला भी अच्छा है। तो भाई हौले हौले बकचोदी करते करते हम सीधे आ चुके हैं किधर किधर, जखनी जखनी गेट के पास। मम्मी उधर लेफ्ट में बैठी हुई है रास्ते के सामने, अब वो है ना हम सबकी माँ है, हाँ इसलिए मम्मी बोला, ठीक है कोई जज नहीं करेगा, कोई जज नहीं करेगा, वो हम सबकी माँ है। ला 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 कबीर सिंह बन जाऊँ क्या, ला 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 सुट्टा जला के दीवार सॉरी दरवाजा तोड़ो। फिर उसके बाद क्या हुआ और नहीं बोलेंगे, बच्चे भी देखते होंगे शायद से, मेरे को नहीं पता बट शायद से एज रेस्ट्रिक्शन तो डाला हुआ है, लेकिन भाई जो मोबाइल यूज़ करता है उसके लिए तो नहीं डाला है ना। ईमेल आईडी से डेट ऑफ बर्थ तो पता चल जाएगा, लेकिन मोबाइल जो मोबाइल पकड़ेगा उसका ईमेल पे तो देखेगा, तो वहाँ से कैसे पता चलेगा, उधर पता पता नहीं चलता, उधर कुछ नहीं पता। अरे धरती माता हमें कुछ नहीं आता, इधर हम किडल आ गए, किडल 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 हम ऊपर उठ गए, चलो चले मिसिपा वेट फॉर साइड, ओके चचा जी हम वेट करेंगे, आप साइड तो दे दो। और ये भैया ने वेट नहीं किया, भैया ने पूरा का पूरा भाई एक्सीलेटर के ऊपर भैया खड़े हो गए, ये वेरी बैड मैनर्स, मदर फादर बैड मैनर्स, आई डोंट लाइक इट। भैया 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 अंकल चाचू दादाजी चाचा जी भैया जी भैया जी स्माइल फील द रॉयल कंफर्ट, ओह माय गॉड। भाई बस में कौन सा कंफर्टेबल आई, जब हम तुम मतलब वो स्पीड ब्रेकर जब तुम जंप करवाते हो तो भाई पीछे जो बंदे बैठे होते हैं वो तो ऊपर नीचे हो जाता है, वो भी 8-10 बार। अरे रुक जा रुक जा, अरे भाई 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 तू जा यार तू जा, सीरियसली तू जा, तेरे को बहुत ज़्यादा चुलमती है। मेरे को ओवरटेक भी नहीं करने दिया, अच्छी बात नहीं है, मदर फादर बैड मैनर्स भैया। ओ माय गॉड, अभी टाइम कितना हुआ है, 1 सेकंड, 12 बज चुके हैं और हमको जाना पड़ेगा ऑफिस तक, पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के बाद भाई जो काम है वो सब चाहते हैं, और अब बहुत दूर भी जाना है, होपफुली भाई काम ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा, जल्दी से जल्दी अगर काम ख़त्म हो जाए। और दिखाता हूँ यार भाभी ने किधर छोड़ा है, ये देखो इधर 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 इधर, ये जो जॉलाइन है ना ये वाला जो माउंटर है इधर ही तोड़ दिया, यहाँ पे मैं अभी हाथ मार रहा था, ठीक है भाई पूरा का पूरा ही तोड़ दिया था बाकी में तुम्हारा, मतलब भाई मैं एडजस्टमेंट करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन मेरा वो मोबाइल होल्डर क्या हुआ वो थोड़ा सा उसे नीचे कर गया, तो कैमरा का एंगल नीचे जा रहा था, हाँ तो मतलब ऐसा ऐसा करके, ठीक है सिर्फ ये ही दिख रहा था, तो मैंने उसे एडजस्टमेंट करने के लिए मैंने सोचा कि भाई जब मैं मुंडी उठाऊंगा तो ऐसे तो मुंडी उठा के नहीं चला सकता ना, एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। एडजस्टमेंट करने के लिए जब मैंने इसे खोला जॉ माउंटर ही मेरे हाथ में आ गया, मतलब मोबाइल होल्डर अलग, जॉ क्लैंप अलग, हेलमेट अलग, सब कुछ अलग, क्या स्वैग है। फिर उसे चीज़ वगैरह किया एंड देन रिजल्ट इज़ हियर,
लेकिन यार मेरे को एक और मंगाना पड़ेगा वो डॉग प्लान, बिकॉज इसके ऊपर ज़्यादातर मैं भरोसा नहीं कर सकता। एक तो भाई प्लास्टिक का है, ऊपर से ये टूटा हुआ है, तो होपफुली मतलब ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं कभी टूट भी जाए, गिर भी जाए और मोबाइल की लग जाए, तो इसीलिए एक और मंगाना पड़ेगा। देखते हैं यार, वक्त वक्त का बात होता है बस, और क्या है। आ गया टोयोटा, ओ माय गॉड, ले मारो। ओए ट्रक वाले भैया, ओए 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 ट्रक वाले भैया, तुम किधर आती, तुम राइट आती या लेफ्ट जाती, नहीं तुम नीचे जाती, हम भी तुमको ज्वाइन करती। ट्रक वाले भैया, ओ ट्रक वाले भैया, हाँ अच्छा अच्छा काम करती तुम, हमको पसंद आती। वाइड एंगल अगर होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन यार ओपन कैम पे वाइड एंगल ही नहीं, मतलब वाइड एंगल जितना आप करोगे तो भाई वो ख़राब होता जाएगा वीडियो, जैसे वाइड एंगल में नहीं रखता। मोबाइल कैमरा इनबिल्ट में है, लेकिन उसमें ऑडियो की माफी आँख हो जाती है। ताँ, 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 मिलते हैं यार डायरेक्टली मखन प्रसाद बाजार के अंदर। ओके फिर देन वीडियो को थोड़ा सा करते हैं बंद। ओके तो आसपास आ गए, ओए चचा आराम से यार, मतलब कि आसपास आ ही गए हैं। और ये रहा मखन प्रसाद बाजार का स्टार्टिंग पॉइंट। लल्ला किधर जा रहे हो, इसके अंदर क्या है, दूध मिल्क, दूध लेके जाते हैं हमारे भैया जी। मौसा जी चचा जी आराम से यार, लेफ्ट राइट तो देख लो पहले, अच्छा है कहीं गाड़ी नहीं आ रही। ओए 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 होल्ड इट होल्ड इट, हाँ अच्छा से यार यही दिक्कत होती है मोबाइल पे मोटो लॉगिंग करने के लिए। और मैं चाहते हुए भी लाइक मेरा मोबाइल को फ्लाइट मोड पे नहीं डाल सकता, या फिर यार ये नहीं कर सकता सच में, बिकॉज कि बार बार कॉल आते हैं और ऑफिस से काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉल भी आते हैं, सो वो तो नहीं कर सकते। सोच रहा हूँ एक छोटा सा छुटका अलग ही मोबाइल लाऊं जस्ट कॉल्स वगैरह आने के लिए, और जब मैं इस पर वीडियो बनाने बैठूँगा तब मैं इसके कॉल्स को फॉरवर्ड कर दूँगा। बस इतना ही आइडिया लगाएंगे वो छोटे वाले मोबाइल में, क्योंकि वीडियो इधर चलती रहेगी, वीडियो कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, कॉल्स ज़्यादा आते हैं। इधर क्या गुस्सा है, अरे देख के गुस्सा ना, छोटा सा रास्ता है भी इतना बड़ा बड़ा गाड़ी घुसाता है, अंदर गौर भी लगता है। ओए ओए ओए, हम उठ गए, हम इधर आ गए, हम इधर ऐसे इनको ओवरटेक कर लिया और आ गए और आ गए। ओ माय गॉड तीन तीन मामा जी, वाओ आज तो इस साइड से छाऊंगा ही नहीं, बार बार इधर से घुसा देता था।
मेरी फट गई थी भाई, तीन तीन क्या कर रहे हैं इधर, पकड़ लेते तो पता नहीं क्या क्या करते। ओए रुको, यार कितना नींद आएगा भाई मेरे को। अबे छोड़ ना यार, भैया 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 छोड़ ही दो, भैया छोड़ ही दो। ओह माय गॉड, ड्रीम बाइक खड़ी हुई थी लेकिन फिट मैन, जितना उसे पाने की चाहत उतना उसे चलाने की ख्वाहिश। चलाई तो है लेकिन पाया नहीं है, हासिल नहीं किया है उसे अभी तक। मगर वक्त है अपने पास, हम ले लेंगे और जिस दिन लेंगे कह के लेंगे। ओए 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 गाय गाय नानी 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 आवले। हाँ हो गया कांड अपना, आ गए हैं ऑफिस के आसपास। और ये क्या है रोड के बीच में कार, ऐसे कैसे घुमाते हो तुम, ये अच्छी बात नहीं है। फदर फदर बैड मैनर्स। कितना दूर है और ऑफिस, इधर ही इधर ही इधर ही। और भैया ने कॉल किया था, भैया ने कहा था कि आते टाइम दो ठो बिस्किट लेते हुए आना, तो रुकते हैं इधर, दो ठो बिस्किट ले लेंगे फिर निकल लेंगे। ओके ओके ओके, तो भैया जी बिस्किट वगैरह ले लिए हैं और डाल देते हैं इधर। भाई देख रहे हो क्या, काम हो चुका है ख़त्म और निकलते हैं यार इधर से। ओ एक सेकेंड, अब निकलते हैं डायरेक्टली ऑफिस, ऑफिस तो इधर ही है। ब्रुं 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 ब्रुं। आ गए ऑफिस के आसपास और अभी दिखेंगे। सो गाइज आज के लिए यही था वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ठोको और कमेंट में बताना भाई वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय। Take me to that place now, I won't ever let my thoughts get away now, I got better things to do, picking fate now, I just wanna be the best, call me great now, I don't know if I'm okay or insane now, I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right, I'ma pick a side.